नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल टाइम्स न्यूज़। मैं नीरव रावल आपका स्वागत करता हूँ। हाल ही में खबर आई है मुंबई करों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि है सायन के पुल के बारे में। ये सायन का जो पुल है वो गिराया जाने वाला है, और ये जो पुल आप वीडियो में देख रहे हैं वो करीबन 110 साल पुराना है, और जल्द ही ये पुल गिराया जाने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है कि मध्य रेलवे के 5वें और 6वें ट्रैक के विस्तारीकरण के काम की शुरुआत जल्दी होने वाली है, और उसी के लिए ये पुल गिराया जाने वाला है। इस पुल के बारे में बताने जाए तो ये पुल मुंबई के 4 महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ने वाला पुल है। सबसे पहले बांद्रा और माहिम को जोड़ने वाला ये पुल है, उसी के बाद धारावी की तरफ भी ये पुल लेके जाता है। एक तरफ से सायन, दूसरी तरफ से धारावी और तीसरी तरफ से बांद्रा और माहिम आता है। ऐसे 4 महत्वपूर्ण जगहों को ये पुल जोड़ता है। फिलहाल ऐसी बात सामने आई है कि 4 जनवरी के बाद ये पुल गिराया जाएगा, पर मध्य रेलवे ने कोई पक्की तारीख इस बात पर अब तक नहीं बताई है। जैसे कि ये पुल मुंबई करों के लिए बहुत ही आसानी से 4 अलग अलग दिशाओं की तरफ लेके जाता है, तो ये पुल गिरने के बाद सोचो मुंबई करों के लिए कितनी तकलीफ़ होने वाली है। इस बात पे आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ताज़ा खबरों के लिए फॉलो कीजिए सोशल टाइम्स न्यूज़।